जय हिंद दोस्तों, जय माता जी की। अभी हूँ मैं पान्यू गुआंगझाउ चाइना में। तो अभी ये वीडियो बनाने का मेरे मन में इसलिए ख्याल आया, अभी मैं किसी इवनिंग में से ही घर से वॉक करते हुए पास में एक मॉल है वहाँ पे आया। तो अभी मात्र 8:30 बजे का टाइम है, 8:15 बज रहे हैं। 8:15 बजे अभी जो आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी कुछ न्यूज़ वगैरह में आपको दिख रहा होगा कि चाइना में कोविड वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जगह जगह या लॉकडाउन है, कुछ जगह अभी रिलैक्सेशन हुई भी है। पहले मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था, अभी चाइना आने के बाद फर्स्ट टाइम अभी मैं इस मॉल में आया हूँ। संडे का टाइम है, मतलब वीकेंड वाला टाइम, 8:15 बजे, मतलब ये पीक आवर्स होते हैं किसी भी मॉल में भीड़ के, क्योंकि यहाँ पे कई रेस्टोरेंट वगैरह और वीकेंड्स पे बाहर लोगों के खाना खाने का ट्रेंड रहता है, तो इस हिसाब से ये पीक आवर्स हैं, संडे का टाइम है। लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पे देखा तो मैं देख के खुद बहुत सरप्राइज़ हो गया। तो अचानक मेरे मन में आया कि ये चीज़ आप सबके साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और जो न्यूज़ में चल रहा है उससे कितनी मिलती जुलती चीज़ें हैं, ग्राउंड लेवल पे हैं या नहीं हैं। तो मैं एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी फेमस मॉल है आयन प्लाज़ा, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मॉल है। तो यहाँ की एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है वो आपको बताता हूँ, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये सूना पड़ा हुआ मॉल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये काफ़ी आगे तक वो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ तक है, यहाँ पे इसकी लंबाई यहाँ तक आपको इस टाइम पे बहुत ही गिने चुने कुछ राइट साइड में एक आध लोग आते हुए दिख रहे होंगे, वरना तो दूर दूर तक ये सूना दिख रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये मेन एंट्रेंस है मॉल की, ये मेन सामने की जगह है जहाँ पे 2-4 लोग गलती से इधर उधर चलते हुए दिख रहे हैं। 8:00 बजे के आसपास के टाइम पे ये हालत, मैं कई बार मैंने चाइना ट्रैवल किया है, काफ़ी टाइम रुका हुआ भी हूँ, लेकिन ये पहली बार देखा है। इसका मतलब कोविड का असर तो डेफिनेटली है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी अपन मॉल के अंदर चलते हैं, अंदर चल के भी देखते हैं कि क्या हालत है। और लोगों में डर है क्योंकि अभी कुछ टाइम से जो जैसे ही चाइना ने वापस से लॉकडाउन ओपन किया, लॉकडाउन ओपन होने के बाद में जब सब चीज़ें खुल गई तो केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। हालांकि केसेस इंक्रीज़ होने का दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा एकदम से गिर गया। दिसंबर लास्ट का टाइम है, अभी 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है बाहर, वो आप लोग मेरे को देख के समझ भी गए होंगे, और मास्क वगैरह कंपलसरी है, लेकिन बाकी सब चीज़ें खुल गई। ये जो स्टारबक्स है ये भरा हुआ रहता था कभी इस टाइम पे, एक भी कस्टमर अभी अंदर नहीं दिख रहा मेरे को। ये एंट्रेंस है मॉल की, आप एंट्रेंस पे देख सकते हो क्या हाल है। गिने चुने लोग मतलब आपको इस मॉल में दिख रहे होंगे, वरना मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ जितनी भी बार इतना ज़्यादा रश रहता है, जिसकी मतलब बहुत रश रहता है। जो बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड ब्रांड्स हैं, ये एडिडास वगैरह सब के अभी इन्होंने इस टाइम पे ही क्लोज़ कर दिया, इनको पता है कि अभी कोई नहीं आएगा। मॉल की मेन एंट्रेंस पे ही हालत है, शायद जो भी कोई लोग जो गलती से दिख भी रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक वो लोग भी सिर्फ इसलिए होंगे कि या तो वीकेंड पे वो डिनर करने के लिए आए होंगे किसी रेस्टोरेंट में, या कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी जिसे उन्हें शॉपिंग करनी हो। इसके अलावा सब लोग यही कोशिश की है शायद, सब लोगों ने, कि वीकेंड है, डर के मारे कोई बाहर ना निकले। ये आपको मॉल की हालत दिख रही है। अपन बिल्कुल इसको क्रॉस करते हुए निकलते हैं दूसरे गेट से, तो ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या हालत है एक्चुअल। ये ज्वेलरी शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जिस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है इस टाइम पे, ये H&M स्टोर है, बिल्कुल अंदर से खाली पड़ा है। गलती से भी मुझे कोई कस्टमर दिख ही नहीं रही इन स्टोर्स में। तो यहाँ पे इस टाइम पे जनरली ऐसा होता है कि वीकेंड्स पे सैटरडे या संडे को बच्चों के कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, जनरली देखने को मिल जाते हैं। अभी की जो हालत है उसमें कोई भी नहीं दिख रहा। या तो वो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं
कि जिनके बच्चों ने जिद की होगी कि हमें लेके चलो बाहर, काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकले होंगे, या वो लोग हैं जिन्होंने कुछ मैंडेटरी, मतलब उनके लिए कुछ होगा या कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी ज़रूरी हो गई होगी, अदरवाइज़ कोई भी बाहर नहीं निकल रहा जबकि सब चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। केसेस तो एक बार डेफिनेटली बढ़ने ही बढ़ने थे, उसमें कोई दोहराए नहीं है। जब सब एक बार के लिए सब कुछ ओपन हुआ है और यहाँ मौसम भी बदला है तो जुकाम बुखार ये सब होता ही है, आप सब जानते हो। इंडिया में भी ये चीज़ें बढ़ी थी जब एक बार के लिए ओपन हुआ था, तो केसेस बढ़ गए थे। ये सब एक्टिविटी वाला एरिया है बच्चों के लिए, बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है। यहीं का जो स्टाफ है वो स्टाफ भले ही दिख जाता है। यहाँ पे भी ये स्टाफ ही बैठा है, पूरा मॉल एकदम खाली है। ये हम वापस मॉल के दूसरा जो एग्ज़िट है या ईस्ट की तरफ से जो एंट्रेंस है उस तरफ पहुंच रहे हैं। मैक्सिमम आप स्टोर्स देख सकते हो, अंडर आर्मोर का क्लोज़ कर दिया इन्होंने बहुत जल्दी, नाइकी अभी ओपन है बट नो वन इज़ देयर, एकदम खाली है। और ये हम दूसरे एग्ज़िट की तरफ निकल गए बाहर। इस कदर सन्नाटा कभी भी नहीं देखा, कभी भी, नेवर एवर। रोड पे कुछ गाड़ियां ज़रूर दिख रही हैं, वो भी जिस लेवल पे यहाँ होती हैं उतनी नहीं है। यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ का एरिया है, कोई बच्चे नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, ये एरिया पूरा एकदम खाली है। दोस्तों ये ग्राउंड लेवल से मैंने आपको बताया है आपकी नॉलेज के लिए कि सब ओपन होने के बाद भी जो स्थिति है वो अभी भी लॉकडाउन से कम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब कुछ ओपन कर दिया लेकिन लोग बाहर आने से डर रहे हैं क्योंकि वीकेंड पर रश ज़्यादा रहता है, ऐसा लोगों का मानना है और जनरली ऐसा रहता भी है, तो बाहर जाने से वो कतरा रहे हैं। और जनरली ये भी था कि वीकेंड पर लोग बाहर ही खाना खाते थे कि एक हफ्ते में 3-4 दिन तो बाहर खाना खाना ही है, वीकेंड बाहर खाना है ही है, डेफिनेटली है। लेकिन उन्होंने कोविड से बचने के लिए इस चीज़ को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया लोगों ने कि बाहर नहीं जाएंगे। तो ये ग्राउंड लेवल से आपके लिए एक रिपोर्टिंग थी छोटी सी आपकी जानकारी के लिए। मैं भी अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस, आप देख सकते हैं मास्क है, ठंड को लेके जो भी हमें वुलन्स पहनने चाहिए प्रॉपर। सिर्फ एक वॉक करने आया था लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को ये बात आप लोगों को बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया, ये वीडियो ऑल ऑफ सडन बनाया। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए लगा आपको कि जानकारी बढ़ाने के लिए था, यूज़फुल था, तो लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय माता जी।